बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर दृश्य जो है आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं अभी दिन में हम बना रहे हैं, इसलिए जो है जय माता दी। दोस्तों आज हम आपको घुमाएंगे जगन्नाथ पुरी। वैसे तो आमतौर पर पुरी जो है उड़ीसा में है और हम आपको कोलकाता में घुमाएंगे जहां एक डलिया जगह का नाम है और पंडाल का नाम भी एक डलिया है। तो जैसा कि अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जगन्नाथ पुरी के मंदिर का स्वरूप जो हूबहू यहां पे उतारा गया। तो चलिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं कि मंदिर का नजारा कैसा है। तो देख सकते हैं ये है जगन्नाथ पुरी का मंदिर और बीच में देख सकते हैं जगन्नाथ जी बैठे हुए हैं भगवान और बीच अंदर में जो है माँ शेरोवाली विराजमान है। तो चलिए हम पहले माँ शेरोवाली का दर्शन करा देते हैं, उसके बाद हम चारों साइड का नजारा जो है आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं अभी हम अंदर जो है एंट्री करने वाले हैं और अंदर एंट्री करते समय देखिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर दृश्य जो है आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं अभी दिन में हम बना रहे हैं, इसलिए जो है लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है और रात में बनाने के बाद जो लाइट पड़ता तो झक 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 करता और मैं आपको भीतर का नजारा दिखाता हूँ। और देख सकते हैं भीतर का नजारा और ये देखिए ऊपर में जो है बहुत ही बड़ा गुंबद साइज का बना हुआ है, देख सकते हैं। और ये देखिए चारों साइड जो है हम आपको घुमा के पहले दिखा देते हैं। ये हो गया है एंट्री गेट, इधर से आप एंट्री करने के बाद जब एंट्री प्रवेश करेंगे अंदर तो देख सकते हैं आपको नीचे में जो है उधर भगवान का प्रतिमा बनाया गया है और वो साइड में आपको ऊपर में दिखाता हूँ। ऊपर का नज़ारा देखिए कितना भव्य नज़ारा है, जिस तरह से देख सकते हैं उधर भी नीचे में जो है बनाया गया है जगन्नाथ पुरी और इधर जो है माँ शेरोवाली देख सकते हैं साक्षात विराजमान। मैं आपको जो है पहले चारों साइड जो है घुमा के दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है हम ऊपर का नज़ारा दिखाएंगे। तो देख सकते हैं और ऊपर का नज़ारा है देखिए इस तरह का है, देखिए ऊपर का व्यू जो है ये भी ऊपर का व्यू बहुत ही सुंदर तरीके से जो है उतारा गया है। पिछले साल जो यहाँ का राम मंदिर बना था, जिस अयोध्या में राम मंदिर बना था उसी के आधारित जो है यहाँ पे राम मंदिर का डिजाइन का आकार यहाँ पे उतारा गया था। इस बार जो है जगन्नाथपुरी का थीम जो है यहाँ पे उतारा गया है डलिया। तो अभी हमने आपको भीतर का नजारा दिखाया, अब हम बाहर चलते हैं और बाहर से जो व्यू है कैसा दिखता है वो हम आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं कि बाहर से जो है जगन्नाथपुरी का मंदिर का जो स्वरूप आकार दिखाया गया है डलिया में उसका नजारा हम आपको दिखाते हैं। कभी हम बाहर आ चुके हैं और बाहर आने के बाद जो है देखिए बाहर का नजारा कैसा है। तो देख सकते हैं ये जो है ये साइड से दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए जिस तरह से पाया पिलर जो दिया गया है जगन्नाथपुरी के मंदिरों में ठीक उसी तरह का पाया पिलर का आकार भी यहाँ भी दिया गया है। ये राइट साइड का था और अभी हम आपको लेफ्ट साइड का आकार दिखाते हैं। और ये देखिए ये लेफ्ट साइड का आकार है ठीक उसी तरह का जिस तरह से जगन्नाथपुरी में दिखाया गया है। और देखिए इसके ठीक लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो इधर देखिए बाघ का आकार का जो है यहाँ पे डिजाइन बनाया गया है। और देखिए रात में देखने के बाद जो है और जो है ये जगमग करेगा। और ये ठीक लेफ्ट साइड में देखिए इधर रथ का जैसा बनाया गया है, तो देख सकते हैं इधर भी ये रथ यात्रा जैसे निकलता है ठीक उसी तरह का यहाँ भी बनाया गया है। तो ये अभी बंद है और इसके लेफ्ट साइड में देखिए जैसे उड़ता हुआ जो है जगन्नाथ जी दिखाया जाता है उस तरह का जो यहाँ पे देखिए आकार का यहाँ पे डिजाइन बनाया गया है। ये राइट साइड में हम आपको दिखाते हैं ये जो है ये है एक डलिया का सीन जो अभी आप देख रहे हैं, जैसे जगन्नाथपुरी में जो है आपको देखने को मिलेगा ठीक उसी तरह का नजारा अभी आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये पैरोट जिसे हम सब आप सब तोता बोलते हैं। जैसे आप जगन्नाथपुरी में घूमने जाते हैं ठीक उसी तरह के मंदिर में देख सकते हैं यहाँ भी डिजाइन जो है उतारा गया है। तो यहाँ भीतर में देखिए ऊपर में जो है बहुत बड़ा गुंबज बना हुआ है वो हम आपको जूम करके दिखाते हैं। और ये साइड वो साइड देखते हैं लेफ्ट साइड में जो है यहाँ छोटा छोटा प्रतिमा बनाया गया है जगन्नाथ जी का। और ये साइड में भी जो है आपको देखने को मिलेगा, ये साइड में देख सकते हैं।